Good morning, students. Today we discuss theorem: if N and N dash are norm linear space, then N cross N dash is also a norm linear space with respect to the norm norm x comma y is equal to norm x plus norm y. ठीक है कि अगर N और N dash norm linear space हैं तो उनका cross means N cross N dash भी क्या होगा norm linear space होगा इस norm के respect में. अब N cross N dash के जो elements होंगे वो tuple pair form के होंगे ना क्योंकि cross product चल रहा है आपका means इस form के element होंगे x comma y tuple pair form के. तो उनका नॉर्म जो है वो कैसे खुलेगा इसकी नॉर्म हमने कैसे डिफाइन की है फर्स्ट का नॉर्म प्लस सेकंड का नॉर्म. देखो अब हमने क्या दिखाना है नॉर्म लीनियर स्पेस है तो क्लियरली दिस नॉर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्योंकि ये क्या है दो नॉर्म्स का सम है. सेकंड नॉर्म ऑफ दिस इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई जीरो दोनों का सम जीरो तो दोनों जीरो और नॉर्म जीरो तो सिंपल एक्स और वाई भी जीरो और एक्स और वाई जीरो तो ये जो आपका पेयर है ये भी आपका जीरो. सेकंड प्रॉपर्टी थर्ड नॉर्म ऑफ अल्फा इनटू एक्स प्लस वाई सॉरी एक्स कोमा वाई दिस इज इक्वल टू अल्फा एक्स कोमा अल्फा वाई का नॉर्म. नॉर्म को डिफाइन करो तो क्या आ गया नॉर्म अल्फा एक्स प्लस नॉर्म अल्फा वाई. फर्स्ट को क्या लिख सकते हो मोड अल्फा नॉर्म एक्स सेकंड को मोड अल्फा नॉर्म वाई मोड अल्फा आपका कॉमन तो नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई और नॉर्म एक्स प्लस वाई को आप लिख सकते हो नॉर्म ऑफ एक्स कोमा वाई. लास्ट देखो दो एलिमेंट लिए फोर एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन डैश तो दोनों का सम और उसका नॉर्म दिस इज इक्वल टू. अब जब हम इनको पेयर्स को ऐड करते हैं टपल पेयर के जो इस फॉर्म के एलिमेंट्स होते हैं तो फर्स्ट में फर्स्ट और सेकंड में सेकंड ऐड होता है ना फिर नॉर्म की हमने डेफिनेशन अप्लाई कर दी. फिर नॉर्म ऑफ ए प्लस लिया हमें पता है लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ ए प्लस नॉर्म ऑफ बी होता है. फिर हमने एक्स वन वाई वन को कंबाइन किया एक्स टू वाई टू को कंबाइन किया और ये क्या बन गया आपका नॉर्म ऑफ एक्स वन वाई वन ये बन गया नॉर्म ऑफ एक्स टू वाई टू. तो इसका मतलब n क्रॉस n डैश क्या हो गया हमारा नॉन लीनियर स्पेस. सेकंड अब हमने क्या दिखाना है कि अगर n और n डैश हमारे बनाक स्पेस हैं तो n क्रॉस n डैश भी हमारा क्या होगा बनाक स्पेस होगा. बनाक स्पेस दिखाने के लिए नॉन लीनियर स्पेस हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं सिर्फ हमें क्या दिखाना है कंप्लीट दिखाना है और कंप्लीट दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि अगर हम कोई एक्स एन वाई एन कोई सीक्वेंस लें n क्रॉस n डैश में तो वो कॉशी सीक्वेंस लें तो वो कॉशी सीक्वेंस जो है वो n क्रॉस n डैश में क्या कर जाएगी कन्वर्ज कर जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा. तो ले ली हमने कोई कॉशी सीक्वेंस एक्स एन वाई एन किसमें एन क्रॉस एन डैश में तो कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा दी मीन्स नॉर्म एक्स एन वाई एन माइनस एक्स एन वाई एम टेंड्स टू जीरो एज एन एम टेंड्स टू इन्फिनिटी. ठीक है यहाँ से जब हम एलिमेंट्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे सब्ट्रैक्ट होंगे फर्स्ट में से फर्स्ट सेकंड में से सेकंड दिस नॉर्म टेंड्स टू जीरो एज एन एम टेंड्स टू इन्फिनिटी. नॉर्म की डेफिनेशन लगाई नॉर्म ऑफ फर्स्ट प्लस नॉर्म ऑफ सेकंड टेंड्स टू जीरो एज एन एम टेंड्स टू इन्फिनिटी. दोनों का सम जीरो को टेंड कर रहे हैं तो इंडिविजुअली दोनों ही जीरो को टेंड करेंगे कि बोथ आर पॉजिटिव टर्म्स एज एन एम टेंड्स टू इन्फिनिटी. तो फर्स्ट का क्या मतलब हुआ एक्स एन इज कोशी सीक्वेंस इन एन और सेकंड का मतलब एक्स वाई एन इज कोशी सीक्वेंस इन एन डैश और एन एंड एन डैश दोनों ही कैसे आपके बनाक स्पेस हैं मतलब कंप्लीट हैं तो ये कोशी सीक्वेंस जो है एन और एन डैश में क्या कर जाएंगी कन्वर्ज कर जाएंगी. से एक्स एन जो कोशी सीक्वेंस है एन में वो एक्स को कन्वर्ज कर रही है और वाई एन कोशी सीक्वेंस जो है वो वाई को कन्वर्ज कर रही है. देन इसका मतलब एक्स एन वाई एन जो कोशी सीक्वेंस थी एन क्रॉस एन डैश में वो किसको कन्वर्ज कर जाएगी एक्स वाई को है ना. ये हमें दिखाना है कि वो एक्स वाई को कन्वर्ज कर जाएगी लेकिन इतना तो पक्का है कि ये जो एलिमेंट है एक्स कोमा वाई वो किसका आ चुका है एन क्रॉस एन डैश का क्योंकि एक्स जो है वो एन का है और वाई जो है वो एन डैश का है. चलो अब हम दिखाते हैं कि सीक्वेंस एक्स एन वाई एन एक्स वाई को कन्वर्ज करती है. इसके लिए हमने ये नॉर्म कंसिडर की दिस इज इक्वल टू फर्स्ट में से फर्स्ट एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हुआ एक्स एन माइनस एक्स वाई एन माइनस वाई. नॉर्म की डेफिनेशन लगा दी means and both are tends का sum जो tends to zero as n tending to infinity क्योंकि sequence x n x को कन्वर्ज कर रही है और y n y को. तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं sequence x n y n जो sequence थी जो कोशी sequence थी n cross n dash में वो n cross n dash के ही element को कन्वर्ज कर रही है. it means n cross n dash is complete and hence बनाक space. ठीक है next definition है let t from x to y be a linear transformation. T जो है वो क्या है? Linear transformation है. Then graph of T denoted by GT. GT means graph of T. Defined as कैसे define किया हमने? G of T means graph of T. GT is equal to set of all those elements. Means कौन से elements का हमने set लिया है? X comma T of X. देखो X elements किसके हैं? X के. तो T of X जो एलिमेंट्स आएंगे वो किसके होंगे वाई के. और अगर ये जो हमने टी मैप डिफाइन की थी एक्स से वाई तक अगर ये मैप आपका ऑन टू हो जाए तो उस केस में तो टी ऑफ एक्स आपका वाई के ही इक्वल हो जाएगा. लेकिन अगर ये आपका ऑन टू नहीं है तब टी ऑफ एक्स जो है वो सबसेट बनेगा आपका वाई का. तो यहाँ एक्स और साथ में उसकी इमेज एक्स की इमेज टी ऑफ एक्स इनका हमने सेट लिया हुआ है एक्स टी एक्स और ये किसका सबसेट होगा एक्स क्रॉस वाई का क्योंकि जो ये एलिमेंट है हमारे एक्स कोमा टी एक्स
ये किसके एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट एक्स का, और टी ऑफ एक्स एलिमेंट किसका है, वाई का। और मैं अभी आपको बता ही रही थी कि जो सेट है हमारा जी ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स क्रॉस वाई होगा किस केस में, जब ये ओन टू हो, अदरवाइज ये इसका क्या चलेगा, सबसेट चलेगा, क्योंकि वाई की अदरवाइज तो रेंज स्पेस जो है हमारी इमेज स्पेस के इक्वल हो जाता है ना ओन टू में, तो अदरवाइज वो उसका क्या चलता है, सबसेट चलेगा। ठीक है, ये था हमारा ग्राफ ऑफ टी, मीन्स आपको ग्राफ टी ऑफ टी हम ऐसा डिनोट करते हैं जी टी। ये डेफिनेशन आपको क्लियर करनी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।